गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है सारिका सिंह। कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिन्हें हम 2024 आने से पहले ही अडॉप्ट कर लेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, हमें मॉर्निंग में उठना है अराउंड 5:30 या फिर 6 AM। मुझे तो वैसे भी मॉर्निंग उठना बहुत ज़्यादा पसंद है। मॉर्निंग नोट के हम सारे काम टाइम से कर लेते हैं, इससे हमारा दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। बेड से उठने के बाद मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल धरती माता के पैर छूती हूँ। ये मैं बहुत टाइम से करती आ रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता ये कब से कर रही हूँ मैं, बट ये बहुत ही अच्छी हैबिट है, आप भी इसे ज़रूर फॉलो करें अगर आप नहीं करते हैं। नेक्स्ट गुड हैबिट ये है कि उठने के बाद हमें अपने बेड को अच्छे से बनाना चाहिए, अपने पिलो रजाई वगैरह को अच्छे से फोल्ड कर लें, क्योंकि जब हम अपने रूम में इंटर करते हैं और हमारा बेड ही अजीब सा रहता है तो बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है, इसलिए ये भी फॉलो करें, बहुत ही अच्छा लगता है ये भी। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारी लाइफ कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में एंड अपने लिए पानी गर्म कर लेती हूँ। मैं वैसे डेली ही मॉर्निंग में गर्म पानी पीती हूँ, अगर आप नहीं पीते हैं तो प्लीज़ इसे इंक्लूड करें बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस रूटीन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डेली फॉलो करती हूँ और कुछ जो हैं वो मुझे अडॉप्ट करना है। मॉर्निंग में लुकवॉर्म वाटर पीने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हमारे बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड कर देता है। इसे मैं मलासना में अच्छे से सिप सिप करके ड्रिंक कर लूँगी। ऐसे पानी पीते वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस वक्त। फिर हम आ जाएंगे वॉशरूम में, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश अप होंगे एंड ब्रश करेंगे। इससे हमारे माइंड को एक सिग्नल मिल जाता है कि हम उठ चुके हैं, अब हम अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको अपना दिन प्रोडक्टिव बनाना है तो आप मॉर्निंग में उठें, अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालें, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट करें, तो आपको ऐसा भी लगेगा कि आपने बहुत अच्छे से अपनी सेल्फ केयर भी कर ली है और आपका काम भी हो जाएगा। फिर हम अपने हेयर्स में, जो हमने रात को ब्रेड बनाई थी उसे ओपन करेंगे एंड अच्छे से अपने हेयर्स को कॉम कर लेंगे, जिससे हमारे हेयर्स डिटेंगल हो जाएंगे एंड अच्छा सा एक हेड मसाज देंगे। सुबह हम अगर अपने हेयर्स को मैनेज कर लेते हैं तो ये पूरे दिन के लिए अच्छे से मैनेज रहते हैं और हम अपना कोई भी काम अच्छे से कर पाते हैं और हमारे हेयर्स की हेल्थ के लिए भी अच्छी होता है, बिकॉज़ हम अच्छे से अगर मसाज करते हैं तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, जो कि हमारे हेयर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसीलिए 5 मिनट, बस 5 मिनट्स अपने हेयर्स के लिए ज़रूर रखें। अपने हेयर्स को कॉम करके हम एक पोनीटेल बना लेंगे, जिससे हम अपने कोई भी काम करें तो ये हेयर्स हमें डिस्टर्ब ना करें। बस हमने 2-3 स्टेप फॉलो किया है, सुबह उठा, मॉर्निंग में पानी वगैरह पिया, तो इससे हमें ऐसा फील होगा कि हमने कितना अच्छे से आज का दिन को स्टार्ट किया है और हम अपने काम की तरफ अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडीज़। अगर हम मॉर्निंग के 1.5 आवर या फिर 2 आवर्स अपनी स्टडीज़ को दे देते हैं तो हमें पूरे दिन ऐसा फील नहीं होता है। अगर हम कहीं पे बिज़ी भी हैं तो हमें ऐसा फील नहीं होता कि आज हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा या ये कुछ भी ऐसा मतलब ख़राब सी चीज़ें दिमाग में नहीं आती, बिकॉज़ ऐसा कुछ अगर हमारे माइंड में चलता है तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से हम और भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मैं 2 आवर्स तक मॉर्निंग में पढ़ लेती हूँ, जिससे कि अगर मैं पूरे दिन बिज़ी रही तो मुझे कम से कम एक तसल्ली रहती है कि कम से कम मैंने 2 आवर्स तक पढ़ा हुआ है। सो सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बना लिया है, जिससे कि मुझे क्लियर हो जाता है कि मुझे आज क्या क्या करना है और मुझे याद भी रहता है कि मुझे ये करना है, और इसे मैं सामने ही स्टिक कर लेती हूँ, बिकॉज हमारी नज़र पड़ती है तो हमें याद आता है कि अभी ये भी बाकी है और वो भी बाकी है। फिर मैं आ जाती हूँ छत में, मैंने सोचा थोड़ा सा धूप ले लेते हैं, तो धूप तो बिल्कुल थी नहीं, तो फिर मैं थोड़ा बहुत वॉक करती हूँ वहीं पे। डेली बॉडी को मूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट हम कर नहीं पाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं, तो 10-15 मिनट्स तो कम से कम निकाले ही। मैं हाफ एंड हार्ट्स में अपना सूर्य नमस्कार 3 टाइम कर रही हूँ, ये मुझसे बन नहीं रहा है तो आप प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। और योगा एक्सरसाइज मैं करती रहती हूँ, बट इन सब चीज़ों में रेगुलर नहीं हूँ, इसीलिए अब मुझे ये सब रेगुलर करना है, फिर मैं करूँगी कुछ योगा। हम पूरे दिन बैठे हुए रहते हैं, लेटे रहते हैं, इसकी वजह से हमारा बॉडी पॉस्चर पूरी तरह से ख़राब होने लगता है और इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसीलिए मैं 2-3 पोजेज़ यहाँ पर ऐड कर रही हूँ फॉर द बॉडी पॉस्चर,
मेरा भी बॉडी पॉस्चर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। नेक्स्ट मैं करूँगी आई एक्सरसाइज। इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो चुका है उसकी वजह से हमारी आईज बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, इसीलिए कुछ आई एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में मैं करूँगी कुछ फेस योगा के पोजेस जो कि हमारे फेस हेल्थ के लिए। नेक्स्ट मैं 10 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करूँगी। अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 5 मिनट्स 10 मिनट्स तक करें, उसके बाद आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स एंड हाफ आवर्स तक कर सकते हैं। फिर मैं अपने रूम की विंडो ओपन करूँगी जिससे कि बाहर की हवा थोड़ा अंदर आए और बहुत ही अच्छा फील होता है। भले विंटर्स हैं बट बाहर की हवा अभी भी अच्छी ही लगती है। नेक्स्ट हैबिट है क्लीनिंग। मैं क्लीनिंग वैसे भी डेली करती हूँ, मैं अपने रूम में, मम्मी के रूम में एंड पूरे घर में मैं ही झाड़ू लगाती हूँ एंड हम और मम्मी दोनों मिलके पूरे घर में अच्छे से सफाई कर लेते हैं। तो ये भी मेरा डेली का ही रूटीन है। क्लीनिंग करने से हमारे सराउंडिंग जब हमारे क्लीन रहेगी तो हमें काफ़ी अच्छा फील होता है। अगर हमारा रूम बहुत ही ज़्यादा मेस्ड रहता है तो हम बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। फिफ्टीन या 20 डेज से मैं इस ड्रिंक को इंटेक कर रही हूँ, इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट मुझे अभी से ही दिख रहे हैं। दिन भर में हम कितना कुछ अनहेल्दी खाते रहते हैं तो कम से कम कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो कि हमारी डाइट को बैलेंस करके रखें। इसकी जगह में आप कोई और भी जूस ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। एक चीज़ और अवॉइड करनी है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो हेल्दी चीज़ें होती हैं हम उसे खाते वक्त बहुत ही ज़्यादा अजीब सा रिएक्ट करते हैं एंड बहुत गंदा सा मुंह बना लेते हैं, इससे हमारे खाने का अपमान होता है। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करें और अच्छे से अपनी चीज़ों को इंजॉय करते हुए खाएं पिएं। आपको जिन भी चीज़ों पे इंटरेस्ट हो, जिन जो भी चीज़ आपको करना बहुत ही अच्छा लगता हो, लाइक डांसिंग, कुकिंग, प्लांटिंग या फिर सिंगिंग, कुछ भी आपको जो भी पसंद हो, पेंटिंग वगैरह, आप उसे ज़रूर टाइम दें। तो मैं यहाँ पे मुझे कुकिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वैसे मुझे सिंगिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे गाना गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुकिंग कर रही हूँ मैंने अपने लिए। वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी ही बनाती हूँ बट आज मेरा मैगी खाने का मन था तो सोचा कि थोड़ा देसी स्टाइल में मैगी बनाया जाए। सेल्फ लव, ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा। सबके लिए अपना अलग अलग चीज़ें होती हैं, उससे आपको सेल्फ लव मेरे लिए स्किन केयर है। स्किन केयर करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं स्किन केयर कर लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरे दिन अपने लिए कुछ अच्छा किया हुआ है। यहाँ पे मैं अपना बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ। ये मेरा DIY मॉइस्चराइज़र, ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है स्पेशली विंटर्स में। नेक्स्ट हम कर लेंगे अपनी बॉडी की केयर। एक हैक मैं यहाँ पे बताती हूँ, जो हमने जूस प्रिपेयर किया था उसका स्टेन करने के बाद ये जो निकला था, इसमें मैं हाफ लेमन ऐड कर लूँगी एंड उसमें 1 टेबलस्पून ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन ऐड कर लूँगी और ये हमारा बहुत ही अच्छा सा बॉडी स्क्रब या बॉडी मास्क, कुछ भी कह सकते हैं इसे, प्रिपेयर हो गया। इसे मैं अपने पूरे हैंड्स में अच्छे से सर्कुलर मोशन में अप्लाई करते हुए मसाज करूँगी जिससे कि मेरे हैंड की डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाएगी। विंटर्स में हम वैसे भी इतना रीअप्लीकेशन करते रहते हैं तो उससे हमारे स्किन में एक डेड स्किन सेल्स आ जाती है जो कि रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और हमने बहुत ही अच्छे से इसका यूज़ कर लिया, ये चीज़ करके बहुत ही खुशी मिलती है, पता नहीं क्यों, कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमें बीटरूट और कैरेट की गुडनेस भी मिल गई। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है जो कि हमें करना चाहिए, यही तो सेल्फ लव है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करेंगे। तो इसी तरह के वीडियो बनाती रहती हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है बिकॉज़ अभी मेरा चैनल बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।